हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या, उसके बारे में सारा कुछ समझेंगे। कुछ बुक्स जो हैं वो इसको गामा से इसके लिखते हैं, ठीक है, और कुछ बुक इसको ई भी लिखती है, इस तरह से कैपिटल ई भी लिखती है। तो आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या है, ये हमारे पास डेफिनेशन बनती है कि इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। ये डेफिनेशन है। या दूसरी है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस ऊपर और नीचे आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब मेरे भाई एक बात आपको बता दूं कि ये निकला कहां से, कैसे बना, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें हुक्स लॉ पता होना चाहिए। हुक्स लॉ क्या है? तो हुक्स लॉ ये कहता है कि अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन की होगी। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम गामा या ई से लिख देते हैं, और यहां पे स्ट्रेन, और ये जो ई होता है वही होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमारे पास इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या था कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगी, लेकिन होगी कितनी ये तो पता ही नहीं लग रहा ना। तो इसलिए इक्वल टू का जब साइन आता है तो यहां एक कांस्टेंट आ जाता है, और इसे ई वैल्यू फायदा हो गया। मेरे भाई एक चीज, एक बात बताऊं, इसका एक फायदा हो चुका है। क्या फायदा हो चुका है? ई की वैल्यू फिक्स मिल गई हर मटेरियल के लिए मुझे। ई की वैल्यू जो है वो फिक्स मिल गई मुझे हर मटेरियल के लिए, फिक्स होगी। कैसे फिक्स होगी? जब हमने एक, मान लो मेरे पास स्टील था, स्टील की कोई यहां बार है या मेरे पास स्प्रिंग है, तो मैं क्या करता हूं, इस पर लोड डालता हूं। लोड डालने से, ठीक है, यहां पे 10 न्यूटन है मान लेते हैं, एरिया मुझे पता है स्प्रिंग का कितना है, तो मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूं। स्ट्रेस निकालता हूं तो लोड पर यूनिट एरिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एरिया जो है एमएम स्क्वायर में ले लें तो एमएम स्क्वायर, ये मेरे पास स्ट्रेस निकल जाएगा, स्ट्रेन भी निकल जाएगा। तो जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा, मान लेते हैं कि ई की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, एक बार मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि फिक्स वैल्यू मानूंगा, कोई भी अपनी तरफ से जो वैल्यू है वो मैं अपनी तरफ से ले लूंगा। एक बार मैं ई की वैल्यू मान लो, मैं ई की वैल्यू मान लेता हूं किसी चीज की 10, ऐसे भी कुछ भी बोल रहा हूं मैं, अभी कोई यूनिट नहीं बता रहा कि 10 है मेरे पास, ठीक है, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। या और ये यूनिट कैसे बने, ये भी आप एक बार देख लो। ई क्या था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन था। अगर आपको पता हो कि जो स्ट्रेन होती है उसके कोई यूनिट नहीं होते, तो स्ट्रेस के यूनिट तो है वही हमारे पास, जो स्ट्रेस के यूनिट है वही हमारे पास ई, मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी यूनिट्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, है ना। अब इसका फायदा आपको बता रहा हूं, हमारे पास ये देखिए, ई की वैल्यू मान ली मैंने 10। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये 10 वैल्यू, ई की वैल्यू फिक्स आ गई 10, अगर स्ट्रेस मेरे पास मान लो कि 100 निकला, तो 100% चांसेस हैं कि ये 10 होगा स्ट्रेन। स्ट्रेस अगर मेरे पास 100 आ गया तो स्ट्रेन मेरे पास 10 होगा ही होगा। क्यों? काट के मुझे ई निकालना है 10, क्योंकि ये फिक्स है, ई की वैल्यू जो है वो फिक्स है। इसलिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो स्ट्रेन की वैल्यू 10 आ गई, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना वो आसान है निकालना। कैसे है कि आप लोड डालोगे, एरिया है आपके पास, एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है, उससे आप कर सकते हो, है ना। लोड आपके पास है ऑलरेडी, कितने वेट डाल रहे हो आप उसके ऊपर, तो मेरे पास ये निकालना आसान है, स्ट्रेन दिक्कत होती है। तो इसके बाद स्ट्रेन निकालना मुश्किल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू एक बार ही निकालनी होती जिंदगी में, वो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, कौन साइंटिस्ट कर चुके हैं, सबकी वैल्यू, सब मटेरियल की वैल्यू आपको नेट पे मिल जाएगी। आप गूगल पे एक बार सर्च करो किसी भी मटेरियल की लिस्ट, आप पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी हर मटेरियल की, तो आप खुद निकाल सकते हो। आपको लगता है ना मैं खुद निकालना चाहता हूं,
तो आप कोई मान लो आपके पास पतली स्टील की प्लेट है या आप घर पे थोड़ा वेट की दिक्कत आएगी, अगर आपके स्कूल कॉलेज में लैब है तो वहाँ पे ये इजीली हो सकता है। थोड़े वेट ज़्यादा हो, फिजिक्स की लैब में हमारे पास वेट होते हैं जैसे, ठीक है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी थोड़ी सी हो ताकि थोड़े लोड डालने के बाद वो खिंच जाए चीज़, ऐसी कोई चीज़ पकड़ लेना, ठीक है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग का आप जो आपके पास कॉयल होती है, कॉयल का डायमीटर ले सकते हो आप, ये कॉयल ना इसका डायमीटर ले सकते हो आप, डायमीटर से एरिया आ जाएगा, लोड डाल के देख लेना कितना है, तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेन निकाल सकते हो, स्ट्रेन कैसे, ओरिजिनल लेंथ कितनी है साथ में एक स्केल लगा देना, और बाद में लेंथ कितनी बड़ी होगी तो वो स्केल से पता चल जाएगा, तो स्ट्रेन भी निकल जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर देना और ई ई आ जाएगा आपके पास, तो ई निकल आएगा, ई का आपके पास एक वैल्यू निकल आएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? अब ई की वैल्यू फिक्स होने का फायदा, आगे से ये कभी भी कोई बात करेंगे ना तो स्टील, आप ऐसा भी आ जाता टाइम, आप स्टील नहीं बोलते कि स्टील ले आ यार, आप कहेंगे कि ई 2×10^5 न्यूटन पर mm² वाली चीज लिया, ऐसा टाइम आ जाता है, क्योंकि स्टील की ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। और कंपोजिशन में बहुत चीज़ें बहुत सारी होती है, कंपोजिशन कौन सा है कैसे है उसके हिसाब से ई चेंज होता है, लेकिन अभी तक जिस लेवल पे हम बैठे हैं वहाँ तक हमें ई की वैल्यू सिर्फ इतनी ही याद करनी है, ठीक है। मैं मान लो इसका 10 बोल रहा हूँ, है ना, अब स्ट्रेस ये फिर वापस आ रहा हूँ, अगर स्ट्रेस बढ़ जाता, स्ट्रेस होता 200 कोई बात नहीं, ये 20 हो जाएगा स्ट्रेन, स्ट्रेस होएगा मान लो 300 कोई बात नहीं, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि काट के 10 ही आना है, इसको कटने के बाद 10 आना चाहिए, और क्यों, क्योंकि E की वैल्यू फिक्स है उस मटेरियल के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो E की वैल्यू आपके पास पूरी पूरी, आप इवन बुक में भी देख लेना, बुक में भी हमारे पास सारी वैल्यूज होती हैं, तो आप वो वैल्यू देख सकते हैं। माइल्ड स्टील है, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए हमारे पास यहाँ पे माइल्ड स्टील जो है उसकी वैल्यू आप याद कर लो, 2×10^5 न्यूटन पर mm², और जो कास्ट आयरन है, जैसे कास्ट आयरन उसकी भी ई की वैल्यू है हमारे पास, तो वो है 1.1×10^5 न्यूटन पर mm², ठीक है। इसी तरह रॉट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, गोल्ड सबकी है। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि आप मुझे ये बताएंगे कि लेड, गोल्ड, सिल्वर, इन तीनों की ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आप ये बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको समझ आया या नहीं आया ये भी बताएं, लाइक जरूर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच।